हेलो गाइस, आई एम सोमो जी। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से क्वेश्चंस किए थे कि रियलमी 2 में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो एक एक करके प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्यूशन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। तो देखते रहिए वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रियलमी 2 का वाईफाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे वाईफाई कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, या कनेक्ट होने के बाद कुछ देर बाद वो छूट जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करें और कैसे ढूंढें सबसे बेस्ट वाईफाई कौन सा है, किसका सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका आईपी एड्रेस में पावर ज़्यादा है, मैक एड्रेस में पावर ज़्यादा है, ये सब कैसे तरह से ढूंढें, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक ढूंढा जाता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा वाईफाई के कुछ ऐसे सेटिंग्स जिस सेटिंग्स की मदद से आप रियलमी 2 या रियलमी के किसी भी डिवाइस में काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस में मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं मैं मेरे रियलमी 2 में आ चुका हूँ। रियलमी 2 में मैं आपको दिखाऊंगा वाईफाई को किस तरह से, वाईफाई का जो प्रॉब्लम है किस तरह से सॉल्व करना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ऊपर में वाईफाई का लोगो है, मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के साथ साथ आपको इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ही देखिए अगर आपके सामने कुछ वाईफाई का कनेक्शन वगैरह आता है तो यहाँ पर लिस्टेड होकर आ जाएगा। तो लिस्टेड होकर जब भी आएगा तो एक के बाद एक का सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाएगा, यानी कौन किस चीज़ का सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किस चीज़ का सिग्नल स्ट्रेंथ कम है, किस चीज़ में पासवर्ड है, किस चीज़ में पासवर्ड नहीं है। और इससे यहाँ पे नीचे एक स्कैन बटन है, आप देख सकते हैं स्कैन बटन को आप बार बार से प्रेस करिएगा ताकि आपको अदर्स जो कि वाईफाई सिग्नल मिल जाए। तो ऐसे में क्या होता है, काफ़ी सारे वाईफाई सिग्नल्स आते हैं, और उस वाईफाई सिग्नल्स की मदद से आप जहाँ पे अच्छे वाईफाई है या आपके घर पे वाईफाई लगे हैं वहाँ पे आप कनेक्ट कर देते हैं, पासवर्ड देके कनेक्ट कर देते हैं। अगर पासवर्ड नहीं है तो ऐसे ही कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो अपने आप छूट जाती है। पर मैं आपको यहाँ पे ऐसा एक सेटिंग्स बता देता हूँ जहाँ ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद वो चीज़ कभी नहीं छूटेगी, यानी वो आपके फ़ोन में डायरेक्टली सेव हो जाएगी। तो देखिए वाईफाई असिस्टेंस नाम का एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वाईफाई असिस्टेंस, तो सिंपली इसको टैप कीजिए। टैप करने के बाद ही देखिए इंटेलिजेंस सिलेक्ट द बेस्ट वाईफाई, तो इंटेलिजेंस सिलेक्ट एंड कनेक्ट द बेस्ट वाईफाई नेटवर्क बाय डिटेक्टिंग द वाईफाई नेटवर्क। तो आपको इसको सिंपली ऑन करना है अगर आप एक वाईफाई का यूज़र है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, इसको ऑन करने के बाद यहाँ ये अपना सेलुलर डेटा से काफ़ी अच्छा है जो कि इंटेलिजेंस नेटवर्क पार्ट है, यानी जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छा है, जिसका पावर ज़्यादा अच्छा है, उसके हिसाब से ये चॉइस करेगा एक को। और साथ ही साथ नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्विच टू सेलुलर ऑटोमेटिकली, यानी इसका नीचे क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑटोमेटिकली स्विच टू सेलुलर व्हेन ऑल द वाईफाई नेटवर्क्स आर पुअर क्वालिटी एंड सेलुलर डाटा इज टर्नड ऑन। अगर सेलुलर डाटा यहाँ पे टर्नड ऑन होता है तो डायरेक्टली वो सेलुलर में स्विच हो जाएगा। अगर आप किसी ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका डायरेक्टली इंटरनेट का ज़रूरत है, ऐसे में क्या होता है, अगर आपका घर का जो राउटर है वो काफ़ी टाइम अचानक अगर फेल कर जाती है या उसका कनेक्शन ऑफ हो जाता है, तो ऐसे एक काम अगर आप कर रहे हैं जिस काम में ऑल टाइम का इंटरनेट लगेगा, तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपका सेलुलर डाटा ऑन है तो यहाँ से सेलुलर डाटा डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा ताकि आपका वाईफाई असिस्टेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही मुझे बताना था इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक बात आप देख रखिए, यहाँ पे हॉटस्पॉट का भी कुछ सेटिंग्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। अदर वायरलेस कनेक्शन में जाइए, यहाँ पे पर्सनल हॉटस्पॉट में जाइए। तो देखिए पर्सनल हॉटस्पॉट में आपको यहाँ पे कनेक्शन डिवाइस दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे नेम एंड एड्रेस भी दिया हुआ है, पासवर्ड भी दिया हुआ है, ये सब तो आपको पता ही है। ये सब करके आप अपना जो कि वाईफाई कनेक्शन है इसको और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था, बहुत लोग बोल रहे थे कि वाईफाई कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ यहाँ पे आने के बाद, वाईफाई में आने के बाद आप यहाँ पे इंटेलिजेंसी को ऑन कर दीजिए। जैसे कि देखिए इंटेलिजेंसी अगर मैंने ऑन कर दिया, मेरे अभी कोई कनेक्शन नहीं आ रहे थे, अभी कनेक्शन आ गए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका कनेक्शन कुछ अच्छे से बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए नीचे वाईफाई सेटिंग्स में एडवांस सेटिंग्स है, तो एडवांस सेटिंग्स देखिए स्कैनिंग फॉर ऑलवेज, यहाँ पे आईपी एड्रेस, सेव नेटवर्क्स, तो यहाँ पे सेव नेटवर्क्स आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, और साथ ही साथ इसका पासवर्ड भी कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसके मदद से आप काफ़ी अच्छे से अपने वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो में यही बताना था, इस वीडियो से आपको शायद पता चल गया होगा कि वाईफाई किस तरह से अच्छे से काम करना होता है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अपना ओपिनियन बताइए नीचे कॉमेंट में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।